हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको रिसर्च ANB चैनल को। आपके लिए आज मैं अच्छे टॉपिक लेके आ रखा हूँ। और ये जो टॉपिक मेरा है, आप जो एक प्लैनेट जो देख रहे हो ना इस स्क्रीन पे, इसके बारे में आपको बताऊंगा आज। ये देखो दोस्तों, ये है सूरज। सूरज जो नाम होता है ये देखो दोस्तों, उसका नाम है सोल हेलियस बोलते हैं। सूरज का जो नाम है सोल हेलियस बोलते हैं। और ये देखो सूरज का किरणें, इसका कलर क्या होगा, सूरज का कलर क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा रेड ऑरेंज येलो लग रहा होगा, रेड ऑरेंज येलो कलर लग रहा होगा आपको, किंतु ये कलर नहीं है दोस्तों। ये इसका कलर है वाइट कलर। सोन का कलर वाइट होता है दोस्तों, क्योंकि जो रेड ऑरेंज येलो आप हमको जो दिखाई देता है, ये जो पृथ्वी की एटमॉस्फेयर के कारण से हमको रेड ऑरेंज येलो दिखता है, क्योंकि सोन का जो सही कलर होता है वो वाइट होता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ जो वाइट होता है, ये स्टैनफोर्ड सोलार सेंटर ने बोला है कि उसका सोन का कलर वाइट होता है। इसको आविष्कार किया था, सूरज को आविष्कार करने वाला, ये जो तस्वीर पे आप जो देख रहे हो ना, निकोलस कोपरनिकस ने आविष्कार किया था दोस्तों। ये जो चांद का जो नाम होता है मून लोना सेलेने पोटिक सैंथिनिया पोटिक। और ये जो चांद का कलर होता है ये ब्लू कलर होता है, क्योंकि जो डे लाइट एटमॉस्फेयर के कारण हमको व्हाइट दिखता है, इस वजह से इसका कलर सही कलर है ब्लू कलर है। जो चांद का कलर है ब्लू, इसको आविष्कार करने वाला जो तस्वीर पे आप देख रहे हो ना, इनके नाम है गैलीलियो गैलीली। ये आ गया हमारा पृथ्वी। जो पृथ्वी का जो नाम होता है देखो, अर्थ टेरा टेलोस गाइया गाई वर्ल्ड, ये जो पृथ्वी का नाम इस तरह का होता है दोस्तों। ये जो पृथ्वी का जो कलर आप देख रहे हो ना, ये जो कलर होता है उसका पृथ्वी का कलर ब्लू ब्राउन येलो ग्रीन होता है दोस्तों, इस तरह का होता है दोस्तों। ये पृथ्वी में दोस्तों एक ही चांद होता है, ये जो देख रहे हो ना पृथ्वी में एक ही चांद होता है। और ये उपग्रह होता है, पृथ्वी में एक ही चांद होता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये अगर ये रहा पृथ्वी, ये जो दिख रहा है ये बटन, ये पृथ्वी यहीं से अगर एक राउंड घूमेगा सूरज के चारों तरफ एक राउंड घूमने से इसको 365 दिन लगता है दोस्तों। अगर सूरज बीच पे है, अगर ये पृथ्वी जो उस जगह पे है, यही जगह पे है और ये अगर यहीं से यहीं घूमने तक, यहीं आने तक इसको लगेगा 365 दिन लगता है। इसको आविष्कार किया था, पृथ्वी को आविष्कार किया था पैथागोरस। पृथ्वी को आविष्कार करने वाला जो तस्वीर पर जो देख रहे हो ना, उसको आविष्कार किया था पैथागोरस ने। ये आ गया हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो होता है, इसका जो नाम है देखो दोस्तों, इसको मार्स मार्टिन बोलते हैं। जैसे कि मार्स की कलर देखो, ये जो इसका मार्स का जो कलर होता है गोल्डन ब्राउन टेन ग्रीनलेस भी बोलते हैं इसके। और इनके जो मंगल ग्रह में दो चांद रहता है, ये एक चांद है दूसरा ये चांद है, दो चांद रहता है इसके पास। मंगल ग्रह में दो चांद रहता है इसको। अगर देखो ये सूरज है, ये हमारा जो मार्स, जैसे कि मंगल ग्रह है, ये अगर पृथ्वी, ये जो सूरज कि चारों तरफ अगर घूम के एक ही जगह पे आएगा तो उसको 687 दिन लगेगा, उसके
687 दिन लगता है उसको, अगर ये ग्राउंड घूमने से 687 दिन लगता है दोस्तों। इसको आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने, इसको आविष्कार किया था मार्स को, जिसके हमारा मंगल ग्रह को आविष्कार करने वाला गैलीलियो गैलीली है। ये आ गया हमारा बुध ग्रह, ये बुध ग्रह दोस्तों, बुध ग्रह। और इसके देखो नाम है मेरकुरी, मेरकुरियल मेरकुरिया इनका नाम है। और ये इसको आविष्कार किया था दोस्तों गैलीलियो गैलीली ने। और जो बुध ग्रह का जो कलर होता है दोस्तों, जो बुध ग्रह का कलर होता है वो ग्रे होता है, ग्रे कलर होता है। बुध ग्रह को ये इंसान ने भी आविष्कार किया था, गैलीलियो और थॉम हेरिस्ट। वो जो पहले जो गया था वो तस्वीर पे जो गैलीलियो, इनके नाम है थॉम हेरिस्ट, दोनों ही आविष्कार किया था पहले जो 17th सेंचुरी में फास्ट टेलीस्कोप में इन दोनों ने देखा था बुध ग्रह को दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये आ गया सूरज, ये अगर बुध ग्रह है यहीं से अगर राउंड घूम के जाएगा यहीं तक आएगा तो इसको लगेगा 88 दिन, 88 डे लगता है इसको, एक राउंड घूमने से 88 डे लगता है दोस्तों। ये आ गया हमारा शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के नाम वेनुस, वेनुसियल, सेंथियर, वेनेरियल, वेनिनियन, तो उसका नाम होता है दोस्तों। अगर इसका अगर उसका अगर कलर हम देखें तो उसका शुक्र ग्रह का रेडिस ब्राउन बोलते हैं उसको, उसका कलर रेडिस, रेड और डिस और ब्राउन कलर होता है उसका शुक्र ग्रह का कलर। ये जो उसको आविष्कार करने वाला गैलीलियो गैलीली है, आविष्कार करने वाला। और ये देखो ये जो मैं आपको इसको जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको अगर देखो ये जो अगर शुक्र ग्रह है ना, ये जो शुक्र ग्रह अगर सूरज सूरज बीच पे रहता है, सूरज अगर बीच पे रहेगा इसको एक राउंड मारने से उसको 225 दिन लगता है दोस्तों, 225 दिन लगता है एक राउंड मारने से, ऐसे ही लगता है दोस्तों। और ये आ गया शनि, हमारा शनि देखो दोस्तों, शनि का जो कलर होता है ब्लैक वाइट ऑरेंज ब्लू ग्रीन होता है दोस्तों। और उसका नाम देखो सैटर्न, सैटर्निया क्रोनियन बोलते हैं उसको, इसको आविष्कार करने वाला वो भी गैलीलियो गैलीली है। जो तस्वीर को आप जो देख रहे हो उसका नाम है गैलीलियो गैलीली। शनि शनि ग्रह पे 62 चांद होता है, उसके चांद ये जो देख रहे हो स्क्रीन पे, शनि ग्रह पे 62 चांद होता है। ये देखो दोस्तों ये सूरज, ये हमारा शनि, ये अगर ऐसे घूम के यहीं तक आएगा तो उसको 29.5 ईयर्स लगता है, 29.5 साल लगता है एक राउंड घूमने से उसको। चलो देखते हैं इसको, ये आ गया हमारा बृहस्पति, बृहस्पति बृहस्पति के जैसे कि नाम जुपिटर जुबियन बोलते हैं, बृहस्पति के नाम जुपिटर जुबियन बोलते हैं। उसका कलर है व्हाइट रेड ऑरेंज ब्राउन येलो, उसका जो बृहस्पति का कलर है व्हाइट रेड ऑरेंज ब्राउन येलो, जैसे कि है ये हमारा ये हमारा है सूरज, ये हमारा पृथ्वी, ये आ गया उसका बृहस्पति। ये ऐसे घूम के एक राउंड यहीं तक आएगा तो उसको लगेगा 12 साल लगता है, एक राउंड मारने से 12 साल लगता है। अगर बृहस्पति का अगर चांद देखे 79 चांद है इसके पास,
मून है इसके पास, 79 मून। इसको भी आविष्कार, जो बृहस्पति को आविष्कार किया हुआ था वो भी गैलीलियो गैलीली है। ये आ गया हमारा अरुण, अरुण ग्रह, जैसे कि उनके नाम है नेपचून, वो मुंह में नहीं आ रहा है, नेपुनियन प्रोसीडियर, ऐसे उनके नाम है दोस्तों। ये उनका कलर है ब्राइट ब्लू, 12 ब्लू। और उनको आविष्कार करने वाला ये चारों नाम है, आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो, जोहन गुटीफ्राइड केल, हरिनिस लुइस डी आरेस्ट, ऑर्बन ली बेरियर, जॉन कॉच एडम्स, इस चारों ने आविष्कार किया था अरुण को, मतलब कि जैसे नेपच्यून ग्रह को। ये देखो, ये सूरज को एक राउंड घूमने से 165 साल लगता है, एक राउंड घूमने से 165 साल लगता है। और इसके पास 14 मून है, 14 चांद है, नेपच्यून के पास 14 चांद होता है। ये आ गया हमारा वरुण, वरुण देखो, वरुण का नाम होता है यूरेनस यूरेनियन बोलते हैं। उसका जो कलर होता है ग्रीन और ब्लू बोलते हैं इसको। अगर ये देखो, ये अगर सूरज की चारों तरफ एक राउंड घूमने से उसको 84 साल लगता है, एक राउंड घूमने से, यहीं से घूम के यहीं तक आने से 84 साल लग जाता है उसको। और उसके पास है 27 चांद रहता है, 27 चांद है उसके पास, वरुण के पास 27 चांद होता है। यूरेनस ने जैसे कि प्लैनेट के पास 27 चांद रहता है। ठीक है, वीडियो ये आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो तो ये देखो, सॉरी मैं भूल गया था, इनकी विलियम्स हैंसन ने आविष्कार किया था, विलियम्स हर्सेल इनके नाम है, विलियम्स हर्सेल आविष्कार किया था ये जो वरुण को। लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों, थैंक यू।